नीमच के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक तिवारी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने की बात को लेकर मरीज के परिजन और डॉक्टर तिवारी के बीच बहस चल रही है। इस वीडियो की सच्चाई तक सीटीवी टीम पहुंची और डॉक्टर अभिषेक तिवारी से चर्चा की तो सारे मामले की परतें खुल गईं। डॉक्टर तिवारी का कहना है कि आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत जो इलाज कवर होते हैं हम उन्हें आयुष्मान योजना के अंतर्गत शामिल कर लेते हैं। गवर्नमेंट द्वारा आयुष्मान योजना के तहत बीमारियों की सूची उपलब्ध है और वही बीमारी आयुष्मान योजना के तहत कवर होती है। ग्राम भवरासा से आए पेशेंट मनोहर सिंह को वायरल फीवर था, वायरल फीवर आयुष्मान योजना में कवर नहीं होता है। उस मरीज की डेंगू जांच कराई गई थी जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। अगर डेंगू की पुष्टि हो जाती तो हम उसे आयुष्मान योजना में कवर कर सकते थे, क्योंकि डेंगू आयुष्मान योजना में कवर होता है। डॉक्टर अभिषेक तिवारी का कहना है कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो आयुष्मान योजना के अंतर्गत कवर नहीं होती है, जिनमें वायरल फीवर, हर्निया, अपेंडिक्स, पथरी सहित अनेक रोग हैं जो आयुष्मान योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसलिए उनका इलाज आयुष्मान योजना के अंतर्गत संभव नहीं है। जो बीमारियां आयुष्मान योजना के अंतर्गत कवर होती है उन योजनाओं का लाभ हम मरीजों को देते हैं। नीमच के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक तिवारी और एक मरीज का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इलाज कराने की बात को लेकर क्या सुनी हुई है, क्या है मैटर पूरा, आइए जानते हैं डॉक्टर अभिषेक तिवारी जी से। सर आपका स्वागत है, क्या मैटर ये पूरा? 24 तारीख को शाम को मेरे पास मनोज सिंह जी के पेशेंट आए, शाम को नहीं सुबह आए होंगे। डॉक्टर साहब 10 दिन से हम लोग काफी परेशान हो चुके हैं, बॉटले वोटले लगवा के सब तरह से थक गए हैं, हमारा बुखार नहीं उतर रहा है, हम आखिरी आस आप ही के पास लेके आए हैं। और मरीज की स्थिति देखते हुए मैंने कहा कि अभी दवाई स्टार्ट करें, अपन जांचें कराते हैं। जांचें भेजी मैंने, कुछ भी नहीं हुई, जांचें भेजी गई, उन जांचों में जांचें करवाई गई मेरे द्वारा, दवाई दी गई, मरीज को आराम पड़ा, रिपोर्ट आई जिसमें प्लेटलेट 30,000 समथिंग आए। प्लेटलेट काउंट 30,000 आए। अब 30,000 प्लेटलेट का मतलब ये होता है कि ज्यादातर हम लोग अपने केस में सोचते हैं या तो डेंगू होगा या फिर कोई और वायरल बुखार होगा। तो हम लोगों ने उसको रिपोर्ट आते थे रात हो गई और अगले दिन हो गया, 25 तारीख के आसपास की बात होगी। 25 तारीख को वो नॉर्मल रूटीन है कि भाई जो जो बेनिफिशियरी है उनको आयुष्मान कार्ड आप लगाइए और है बेनिफिट लीजिए, ये मैं नहीं करता हूँ, जो आयुष्मान हम लोग के सहायक हैं वो लोग करते हैं। उन्होंने कार्ड लिया होगा, उन्होंने उनकी फॉर्मेलिटी की, फोटो खींचे कुछ और प्लेटलेट लो प्लेटलेट को देखते हुए कि भाई मरीज गंभीर स्थिति में, उनके अटेंडर को भी बताया गया कि आपके मरीज गंभीर स्थिति में है, हो सकता है इनको आगे भी ले जाना पड़े आपको करके हम लोगों ने किया। और उस बीच में एक कार्ड ऐड करने का प्रोसेस होता है, ये ऑनलाइन पोर्टल होता है आयुष्मान का जिसमें हम लोग मरीज को ऐड करते हैं, फिर ये आगे से परमिशन दी जाती है हम लोग को कि आपको इसको केस को लेना है या नहीं लेना। कार्ड ऐड किया हम लोगों ने और इस बीच कार्ड ऐड करते हुए कई बार साइट स्लो होने के कारण देर रात 25 तारीख को देर रात में ऐड किया तो 26 सुबह के आसपास कार्ड ऐड हुआ हम लोग का। तो उनको हमने बताया कि हम लोग कर रहे हैं आपकी रिपोर्ट ऐड तो कर रहे हैं पर इसमें आपकी डेंगू की रिपोर्ट जो है नेगेटिव आ रही है, आगे से अगर कुछ आया प्रॉब्लम तो हम लोग इसको रिजेक्ट कर देंगे, हम लोग कैंसिल करेंगे इसको। उस टाइम मैंने उनके बालक को बताया, बोले डॉक्टर साहब ठीक है, मेरे तो पिताजी ठीक होने चाहिए, आयुष्मान का हम लोग कोई ऐसा इश्यू नहीं। हम लोगों ने इलाज किया 27 तारीख की सुबह मरीज बिल्कुल ठीक था कि हम लोगों ने मरीज को घर जाने के लिए कहा और मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि आयुष्मान में हो नहीं रहा आपका और ये कैंसिल होगा, हम लोग अगर अभी कर भी देंगे तो एक जब क्लेम आगे जाता है तो क्लेम पैनल डॉक्टर लास्ट पॉइंट होता है, इसमें क्लेम पैनल डॉक्टर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके देखता है, उनको कहीं पे भी डाउट लगता है तो वो उस केस को रिजेक्ट कर देते हैं, उसमें आपको कोई यू नहीं। और उसमें अगर आपके तरफ से कुछ मिसहैंडलिंग है केस की तो आपने केस में जो क्लेम किया है उसका 5 गुना के आसपास जुर्माना है हॉस्पिटल के ऊपर। उसके बाद जब ये बात बोली तो वो उसने बदतमीजी किया हॉस्पिटल में, मेरे से बदतमीजी की, स्टाफ से बदतमीजी की, आयुष्मान सहायक से बदतमीजी की और मरीज को बिना बताए घर लेता गया। अंदर ये जो आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत वायरल फीवर आता है क्या या डेंगू आता है? देखिए साहब इसमें डेंगू तो कवर करता है वो, पर वायरल फीवर कवर नहीं करता। वायरल फीवर इस बात के थ्रू में थोड़ा शासन में और जनरल पब्लिक में भी ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो प्राइवेट हॉस्पिटल आयुष्मान चलाते हैं इनको एक पर्टिकुलर लिस्ट है, आप अगर चाहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, 100 बीमारियों की हम लोग सिर्फ वही बीमारियां ले सकते हैं, उसके अलावा हम लोग को जस्टिफाइड नहीं है, हम लोग को जवाब देना पड़ता है कि आपने ये केस क्यों लिया। अगर आप सही जवाब नहीं दे पाओगे तो आज तो आपको हाँ कर देंगे पर 2 महीने बाद आपका केस रिजेक्ट हो जाएगा और उस पैसे का, उस क्लेम का कोई प्रोसेसिंग नहीं है सर। अच्छा, कोई प्रोसेसिंग नहीं है। और ये है कि थोड़ा मिसगाइडेंस यहाँ हो रहा है कि
शासन लेवल पे सरकारी लेवल पे सब तरफ ही बोले आयुष्मान का सब तरफ सरकारी एवं प्राइवेट अस्पताल मुफ्त इलाज, आप ये कोई नहीं बोलता नहीं, प्राइवेट अस्पताल आयुष्मान की क्राइटेरिया में जो बीमारी आ रही है या जिन बीमारियों का इलाज होता है उसकी सूची जारी होनी चाहिए और हॉस्पिटल में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल साहब, ये जारी होनी चाहिए, आगे में इस तरह की चीजें नहीं हो इसके लिए जारी होनी चाहिए। मरीज ये बोले कि मेरे को क्या, बोले आपने हम लोग का आयुष्मान में नहीं किया, आपने हमारा आयुष्मान कैंसिल कर दिया, तो साहब मैं नहीं हूँ फैकल्टी, ये मेरा मैं नहीं चला रहा हूँ आयुष्मान, ये शासन की योजना है, शासन ही चला रहा है। अच्छा। शासन जो मेरे को अलाउ करेगा कि आपको ये करना है वही मैं कर पाऊंगा। तो उसको वायरल फीवर था, वो आयुष्मान में नहीं आ रहा था। नहीं आया, उसके बाद भी उनका ये था कि वो डेंगू की रिपोर्ट नेगेटिव है सर, मैं डेंगू की रिपोर्ट है मेरे पास, आप जो चाहे तो वो डेंगू की रिपोर्ट का फोटो खींच सकते हैं। अगर इसको डेंगू होता तो फिर आयुष्मान में कवर हो जाता। हाँ ये डेंगू होता तो ये आयुष्मान में कवर हो जाता, इसमें ये डेट है इसके साथ ये रिपोर्ट है। अब उसके बाद जब वो बदसलूकी पे आए तो सब तरफ बदसलूकी हुई, स्टाफ लेवल पे हुई, आयुष्मान सहायक के लेवल पे। उसके बाद जब साथ वो हो गई तो उसके बाद मैंने बोला कि इधर आओ मेरे से बात करा दो उनकी, तो मेरे पास आए तो वो कहानी शुरू से उसी तरह की गाली गलौज से चल रही थी। ये सब प्लान्ड चीजें हैं, जब उनकी तरफ से जब बोलने की चीजें हुई और जब मुझे मेरे साथ मिसबिहेव हुआ उस टाइम वीडियो नहीं है सर, वीडियो एडिटेड है, वो जो हिस्सा जिसमें वो बोल रहे थे वो हिस्सा तो उन्होंने निकाल दिया। और जो मेरे हिस्से का है, और मेरे हिस्से में मैंने साफ बोला आपको, मैंने आपको ये बोला है कि मैं 3 दिन से आप क्या कर रहे हैं, मैं 3 दिन से आपको समझा रहा हूँ, मरीज की स्थिति भी मैंने आपको बताई, आप इसके बाद भी मुझसे सीना चोरी करेंगे, मुझसे ये करेंगे, तो शायद सर एक लिमिट के बाद मेरा भी सब बात टूटा और मैंने भी उनको डांट। अच्छा ये चीज क्या है, आईएमए स्तर पर भी होना चाहिए कि सिविल हॉस्पिटलों के बाहर आयुष्मान कवर बीमारियों का उल्लेख हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सब सिविल हॉस्पिटल और सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के आसपास भी लिस्ट लगाए, और कोई भी आप जो चाहे हम लोग लिस्ट सबको प्रोवाइड कराएंगे, आपको हम लोग बीमारियां देंगे कि ये बीमारियां कवर है। जी, सबसे जन प्रतिनिधि के लेवल पे भी ये होता है कि हाँ सब सब बीमारियां फ्री है, आप तो प्राइवेट में भी कराओ। अच्छा ये सामान्यतः अगर कोई डॉक्टर के यहाँ आता है इलाज कराता है और तो ये तो कवर नहीं है ना, उसके अगर कोई गंभीर बीमारी हुई है उस क्राइटेरिया में आएगा उसी को कवर करेंगे बाकी। हाँ साहब देखिए ऐसा है कि हर ब्रांच के साथ मेडिसिन, जैसे मैं मेडिसिन प्रैक्टिस करता हूँ मेडिसिन के लिए मेरे पास कुछ पैकेज, कोई ऑर्थो प्रैक्टिस करता है तो ऑर्थो के लिए कुछ पैकेज, कोई सर्जरी करता है तो सर्जरी के। हम लोग जो चौधरी नर्सिंग होम है हम लोग सिर्फ मेडिसिन की सेवा देते हैं आयुष्मान में। अच्छा। और कोई सर्जिकल ब्रांच की है, मेडिसिन और ऑर्थो। सर्जिकल के लिए क्या करना रहता है, सर्जिकल के लिए जब जैसे सर्जरी में जो भी हॉस्पिटल सर्जरी के लिए हम बाध्य है कि हाँ उनके जो सर्जिकल ब्रांच चलाते हैं और आयुष्मान मतलब से अप्रूव्ड है, और जैसे अपने यहाँ पर डॉक्टर संजय गुप्ता है तो अप्रूव्ड है वैसे। अच्छा अपन फिर सर्जिकल मेडिसिन कोर्स को क्या बता रहे, हम लोग सर्जरी मेडिसिन और ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्थोपेडिक्स अच्छा ये दो ही है ना, दो ही बाकी जो सर्जिकल नहीं अपने। हाँ हमारे सर्जिकल नहीं। अच्छा जो स्पेशलिस्ट आपके पास अवेलेबल होता है जैसा सेटअप आपके पास होता है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अच्छा तो ये हॉस्पिटल का बिना भुगतान के चला गया रखती है। हाँ ये अभी हॉस्पिटल का ये डिस्चार्ज कार्ड है, ये अभी इनकम्प्लीट है और ये हॉस्पिटल में बिना बताए चले गए हैं, उसके बाद ये पूरी टीम लगभग कितना बिल था इनका हॉस्पिटल का, 3 दिन के वार्ड का तकरीबन 4500 रूपए बिल था इनका। अच्छा। जो का जिसका भुगतान ये करके नहीं गए हैं। अच्छा। ये इनका जो वायरल फीवर वो भी उसमें कवर नहीं हो पा रहा था, उनके उसमें कवर नहीं हो पा रहा था, एक तो जो चीजें फैलाई गई है वो और ऊपर से हॉस्पिटल के बिल को भी ये ड्यू करके गए, तो ये तो चोरी और सीना चोरी हो गई ऊपर से। ठीक रहता हूँ। तो आपसे डॉक्टर अभिषेक तिवारी जो बता रहे थे कि आयुष्मान योजना बनी है एक अच्छी योजना है, लेकिन बहुत सारी बीमारियां उसमें कवर नहीं होती है और जो बीमारियां कवर होती है उनकी सुविधा का लाभ अस्पतालों द्वारा दी जाती है। जो संजय यहाँ आए थे उनको बीमारी थी वायरल फीवर, वायरल फीवर कवर नहीं हो रहा था और अगर डेंगू होता तो ये कवर कर लेते। इसी पूरी बात को लेकर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसकी सत्यता तक हम पहुंचे। सीटीवी के लिए कैमरा पर्सन प्रथम सिंह के साथ राकेश सोनी।